नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ शिवानी वर्मा। गोरखपुर में ट्यूशन पढ़ाने टीचर का क्रूर चेहरा सामने आया। टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं होने पर एक मासूम बच्ची का गर्म सरसों के तेल से हाथ जला दिया। इस दौरान गर्म तेल की छींटों से बच्चे का चेहरा भी झुलस गया। खास बात तो यह है कि बच्चे के साथ क्रूर बर्ताव करने वाले टीचर भी नाबालिग ही हैं। आरोपी ट्यूशन टीचर खुद ही हाई स्कूल की छात्रा है। घटना की जानकारी होने पर मासूम के बच्चे के अभिभावक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला कोतवाली थाना के मियां गांव इलाके का है। सीओ कोतवाली का कहना है कि पुलिस की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। सीओ के मुताबिक शिक्षिका अभी नाबालिग है। ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या शिक्षिका ने जानबूझकर ऐसा किया या गलती से बच्ची जल गई है। कोरोना काल की वजह से छोटे बच्चों के स्कूल बंद चल रहे हैं। ऐसे में हर बाप अपने बच्चों के साथ बेहतर शिक्षा देने का मकसद ट्यूशन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यदि एक टीचर ही ऐसा करेगा तो मासूम बच्चों के भविष्य का क्या होगा।